नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम कृष्णा है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं हमेशा के जैसे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। नीलम कृष्णा चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, थायराइड प्रोफाइल के बारे में। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी उसी से रिलेटेड कि अगर थायराइड प्रोफाइल गड़बड़ाता है तो देखिए किस तरीके से बॉडी के सारे हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं। उन्हीं में से एक हार्मोन के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूं, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने थायराइड प्रोफाइल के बारे में एक में बताया था कि कहां से कैसे हार्मोन वो रिलीज होते हैं, उसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इन दोनों ग्लैंडों से इस हार्मोन का रिलीज होना भी, यही दो ग्लैंड कारण है इन हार्मोन का बैलेंस और डिसबैलेंस करने में। हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देती है कि ब्लड में आप रिलीज करो प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी में बैलेंस करने का जो ऑर्डर है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी देती है। अब समझ लेते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्यों बढ़ जाता है फीमेल में या फिर मेल में, क्या कारण है कि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज बहुत ज्यादा करने लग जाती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसके बढ़ जाने के कारण से बॉडी में क्या क्या निशानियां नजर आती। अगर किस प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा बॉडी में सिक्रेट हो रहा है, ब्लड में बहुत ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो क्या क्या निशानियां हैं देखिएगा। अगर किसी फीमेल जो कि अनमैरिड है, ये हार्मोन उसका बढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर सिम्टम्स ये नजर आएंगे कि उसका इररेगुलर पीरियड होगा, पीरियड्स की डेट है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। किसी मंथ में वो पीरियड्स पहले हो जा रही है, किसी मंथ में वो पीरियड बहुत डिले होकर उसको। इसके अलावा अनमैरिड फीमेल को होना ब्रेस्ट में मिल्क का सिक्रेट होना नजर आएगा, ब्रेस्ट में थोड़ा सा भारीपन उसे महसूस होगा। अनमैरिड फीमेल को हल्का हल्का एक माइल्ड पेन भी नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं मैरिड फीमेल की। मैरिड फीमेल में क्या नजर आएगा? सबसे पहले क्योंकि इरेगुलर पीरियड हुआ है, अब क्योंकि आप मैरिड हैं तो ओबियस सी बात है कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं। प्रेगनेंसी के लिए जब ट्राई कर रही हैं और नेचुरल आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले दो ही तो टेस्ट लिखते हैं, एक थायराइड प्रोफाइल और एक प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब आपका डिसबैलेंस दिखता है आपकी आपकी रिपोर्ट में, तो आप पाएंगे कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आप नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, आप बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, इन सब लक्षण आपको अपनी बॉडी में अनमैरिड फीमेल और मैरिड फीमेल में नजर आए। अब देखिए, सपोज कोई महिला मैरिड है तो इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर के पास जा रही है, तो प्रोलैक्टिन और नेचुरल उसे कंसीव नहीं हो रहा, तो प्रोलैक्टिन और थायराइड प्रोफाइल के तो टेस्ट लिख दिए जाते हैं। अगर कोई फीमेल अनमैरिड है तो ये हल्का सा वो इस पूरी सिचुएशन को इग्नोर करती है, तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके घर में आपकी बेटी को या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, इरेगुलर उसके पीरियड्स हो रहे हैं, अगर उसका ब्रेस्ट में अननेसेसरी डिस्चार्ज जो अननेसेसरी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें अगर आपको देखने को मिलती हैं, तो आप जरूर डॉक्टर के पास एक बार प्रोलैक्टिन हार्मोन जरूर टेस्ट करवाएं। प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड TSH ज्यादा ब्लड में रिलीज कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट वीडियो में भी बताया है कि आप हाइपोथायराइज्म अगर है आपको, मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन भी आपका डिसबैलेंस होगा, आपका डिसबैलेंस होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन डिसबैलेंस होता है ये पता कैसे चलता है? आप जब ब्लड देते हैं, ब्लड टेस्ट होता है आपका, तो ब्लड में से एक सीरम को सिक्रेट कर लिया जाता है और उसी से ये पता चल जाता है कि आपके ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ रहा है। ये तो हो गई लक्षण की बात। अगर मेल के लक्षण की भी बात कर लेती हूँ, मेल में जब ये बढ़ा हुआ होता है तो आप पाएंगे कि मेल का जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन,
वो गड़बड़ाया हुआ होता है। मेल का इम्यून सिस्टम गड़बड़ नजर आएगा आपको। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होने क्यों लगता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इस तरीके का बहुत ज्यादा सिक्रेट करने का ऑर्डर क्यों देती है। देखिए, दो पहली कंडीशन मैंने अभी बताई थी, अगर आपकी ब्लड में टीएसएच हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपोथायरिज्मिक कंडीशन है आपको, हाइपोथायरिज्म में है आप, तो आपका ये प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बढ़ा हुआ होगा। सारी चीजें एक दूसरे से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है आप देखिएगा। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता देखिए कैसे है, फीमेल के बारे में बात करती हूँ। आजकल की फीमेल क्योंकि वर्क भी संभाल रही है, फैमिली भी संभाल रही है, ऑफिस के काम भी है, तो धीरे धीरे इन सारे मैनेजमेंट को जब वो प्रॉपरली विदाउट स्ट्रेस के करती है, तब तो इस सब का इस वाले हार्मोन को मैं आपको बताऊं तो इस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली किसी चीज का स्ट्रेस ले रही हैं धीरे धीरे और आपको पता भी नहीं चल रहा है और वो स्ट्रेस कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है आपका, तो आप मान के चलिए कि आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ेगा, बॉडी में ब्लड में आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ निकलेगा। तो एक तो ये क्योंकि इसे स्ट्रेस हार्मोन कह रहे हैं तो स्ट्रेस से ये बढ़ता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, स्ट्रेस के बढ़ने से प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि स्ट्रेस से बहुत बहुत देखिए स्ट्रेस एकमात्र एक ऐसी चीज है जिससे कि सबसे ज्यादा इफेक्ट हार्मोन्स पे ही पड़ता है, चाहे वो आप थायराइड प्रोफाइल ले लीजिएगा पीछे मैंने जो बताया है, चाहे आप प्रोलैक्टिन हार्मोन के ले लीजिए। स्ट्रेस के इसको तो बल्कि कह ही नहीं, इसका दूसरा नाम ही है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का दूसरा नाम ही है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस के बढ़ने से ये इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी महिला में बेवजह सपोज कि उसके इस तरह की कोई कंडीशन नहीं भी है तो भी उसके बहुत ज्यादा हाइपोथायरिज्म की या फिर स्ट्रेस की उसके साथ इस तरह की नहीं कंडीशन है, फिर भी बहुत ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो माना जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, ट्यूमर जैसी आशंका रखी जाती है। तो इस वजह से उस कंडीशन में डॉक्टर एमआरआई का सजेशन देते हैं। एमआरआई में ब्लड में क्या क्या कहीं ट्यूमर या कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रोलैक्टिन हार्मोन इतना ज्यादा ब्लड में दिखा रहा है। ये एक सिचुएशन या ये एक कंडीशन हो सकती है बहुत ज्यादा सिक्रेट अगर हो रहा है। दूसरा क्या आजकल है कि आजकल की महिलाएं ऑफिस का वर्क कर रही हैं, अपने घर का भी वर्क कर रही हैं, पूरी फैमिली को संभाल रही हैं, ऑफिस को संभाल रही हैं, तो इस पूरे वर्किंग प्रोफाइल है उनका, इस पूरी लाइफस्टाइल में वो कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखना हल्का एक माइल्ड सा स्ट्रेस वो रखती है पूरे अपने लाइफस्टाइल में, और धीरे धीरे क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं चलती कि हमें किसी एक हल्का हल्का सा स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है जब उनका, तब प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, इम्यूनिटी उसकी कम होने लगती है उस फीमेल की, बहुत ज्यादा थकी महसूस करती है। इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी। हार्मोन अगर ये बढ़ेगा तो बॉडी की इम्यूनिटी घट जाती है। बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में फैट, कैल्शियम, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट, उसके मेटाबॉलिज्म को भी ये बैलेंस करके रखता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसलिए आपको मैंने पहले ही बताया था बहुत अच्छा, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन राइट कंडीशन में ये बढ़ता कब है। देखिए, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे उसकी प्रेग्नेंट होने के दौरान जैसे जैसे वो बेबी को डिलीवर करने वाली है तो हाइपोथैलेमस प्रेग्नेंट होने के दौरान जैसे जैसे वो बेबी को डिलीवर करने वाली है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करती है जिससे कि वो बेबी को ब्रेस्ट से फीड करा सके। इस वजह से एक प्रेग्नेंट लेडी की कंडीशन में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है तो एक ये पॉजिटिव कंडीशन होती है क्योंकि उसे ब्रेस्ट ये सारा कुछ एक देखिए कितनी बैलेंसिंग तरीके से चलता है कि बेबी पैदा हो रहा है तो बॉडी इतनी स्मार्ट है कि उसे पता है कि बेबी न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको शुरू में वो माँ का दूध ही या माँ का मिल्क ही पिएगा, तो इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत क्वांटिटी में सिक्रेट होता है और ब्रेस्ट फीडिंग करा पाती है महिला। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये सारा प्रोसेस उस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज सिक्रेट कर रही है तो उस प्रेग्नेंट लेडी की कंडीशन में ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई
प्रेग्नेंट नहीं है तब ये ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तब ऐसे ऐसे नेगेटिव इफेक्ट ये प्रोलैक्टिन हार्मोन डालता है। इसको कम कैसे करें? इस जैसा कि पता ही है कि ये हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहला रहा है, तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको किन किन चीजों से स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो सराउंडिंग, वो देखिए आसपास की चीजें आपके लिए, आपके स्ट्रेस के लिए सही नहीं हो जाएंगे, वो चीजें वैसे की वैसे ही रहेंगे। ऑफिस आप जा रही हैं, ऑफिस में आपके कलीग्स आपके बॉस जैसे भी हैं वो वैसे ही रहेंगे। आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपने पर कंट्रोल रखना है कि आपको स्ट्रेस, क्योंकि उसे ब्रेस्ट ये सारा कुछ एक देखिए कितनी बैलेंसिंग तरीके से चलता है। बेबी पैदा हो रहा है तो बॉडी इतनी स्मार्ट है कि उसे पता है कि बेबी बेबी न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसको शुरू में वो माँ का दूध ही या माँ का मिल्क ही पिएगा, तो इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत क्वांटिटी में सिक्रेट होता है और ब्रेस्ट फीडिंग करा पाती है महिला। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये सारा प्रोसेस उस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज सिक्रेट कर रही है तो उस प्रेग्नेंट लेडी की कंडीशन में ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है तब ये ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तब ऐसे ऐसे नेगेटिव इफेक्ट ये प्रोलैक्टिन हार्मोन डाल। इसको कम कैसे करें? इस जैसा कि पता ही है कि ये हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहला रहा है, तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको किन किन चीजों से स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो सराउंडिंग, वो आसपास की चीजें आपके लिए, आपके स्ट्रेस के लिए सही नहीं हो जाएंगे, वो चीजें वैसे की वैसे ही रहेंगे। ऑफिस आप जा रही हैं, ऑफिस में आपके कलीग्स आपके बॉस जैसे भी हैं वो वैसे ही रहेंगे। आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपने पर कंट्रोल रखना है कि आपको स्ट्रेस किसी भी चीज का नहीं लेना है। कोई भी चीज आपके हेल्थ से इम्पोर्टेंट हो ही नहीं सकती है, तो जो भी सिचुएशन हो आप काम डाउन रहे। स्ट्रेस आपको आपके हार्मोन्स को आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, तो आप जब इतना ज्यादा समझ जाएंगी ना, तो अगर आप इतना ध्यान रखेंगे कि मेरी बॉडी में ये स्ट्रेस मेरा बहुत लॉस कर रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस नहीं करेंगे। एकदम से ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम ध्यान रखना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली इफेक्ट नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक तो ये हो गया, एक खान पान। आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करिए, नट्स खाइए, आप जिंक की क्वांटिटी आप बढ़ाइए, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा ग्रीन वेजीज खाइए, बहुत ज्यादा आप अमीनो एसिड्स में जिसमें होता है वो सारी चीजें खाइए। आप अपनी लाइफस्टाइल्स देखिए, ये हार्मोन्स की अगर हम जब बात करते हैं ना, तो हार्मोन्स का जब भी मैं हार्मोन्स की बात हमारे इस पूरे वीडियो में या हमारे इस चैनल पे होगी, तो याद रखिएगा वो सारी चीजें लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। सारा खेल लाइफस्टाइल का है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को हल्का सा इम्प्रूव डालेंगी ना, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके हार्मोन्स पे पड़ता है, जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस होने में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन एक नॉर्मल हार्मोन रेंज होती क्या? फीमेल में बैलेंस में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है उसकी रेंज है 20 नैनोग्राम पर एमएल से कम है तो इसका मतलब ये बैलेंस में है। अगर कोई महिला का ये 35 से इससे ज्यादा जा रहा है तो समझ लीजिए उसकी बॉडी उसके ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ रहा है। अब उसे एक ट्रीटमेंट लेना है। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेडिकल साइंस में हर एक चीज का ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट मेडिसिन क्या करती है, बैलेंस ही करती है हार्मोन्स को। अगर आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से बैलेंस में ले आए, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लें, तो स्वाभाविक है कि आपके ये हार्मोन्स भी बैलेंस में हो जाएं। अगर मेल की बात करें तो 15 नैनोग्राम एमएल से अगर ये कम है तो मेल में ये बहुत अच्छी बैलेंस में है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर उससे ज्यादा है तो मेल के सेक्स हार्मोन पर ये इफेक्ट डालता है, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर मैं बात करूं कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो ये उसी कंडीशन में बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, 80 नैनोमाइक्रो से लेकर 400 नैनोमाइक्रो तक ये चला जाता है।
क्योंकि वहां पे इसका बढ़ना, वहां पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड का यही काम है कि वो ऑर्डर दे रही है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई बेबी को मिल्क फीड करवाना है तो सिक्रेट करो सिक्रेट करो। तो ये मैंने कोशिश की है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को आपके सामने थोड़ा सा एक डिटेल में बताने की। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं केवल एक दे रही हूँ वीडियो के माध्यम से कि जो भी आपके टेस्ट अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपके लिए डॉक्टर आपका, अगर आप इनफर्टिलिटी कंडीशन से गुजर रही हैं और डॉक्टर आपको इस तरीके के टेस्ट लिखते हैं, तो एटलीस्ट आपको इतनी तो नॉलेज हो कि आपकी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में आप ये तो देख पाए कि आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा है या घटा है ना, आपकी थायराइड प्रोफाइल आपकी सही है या नहीं है। इतनी तो नॉलेज एटलीस्ट हर एक पर्सन को होनी चाहिए, या फिर मैं ये कहूँ कि हर एक इनफर्टिलिटी से गुजरने वाली महिला को इतनी इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है ना, तो भले ही वो अपनी लाइफस्टाइल कितनी भी गंदी तरीके से जी रही हो और उसे ये एक बहुत कारण पता चल जाता है कि हार्मोन्स मेरे इसलिए डिसबैलेंस है क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल में ये कुछ कमियां हैं, तो जब उसे इतनी नॉलेज हो जाती है ना, तो वो अपने आप से ही वो ठीक करने के लिए, हमारा दिमाग है ना लॉजिकल मांगता है, तो लॉजिकली जब चीजें उसे पता चल जाती है ना, तो वो ठीक करने के लिए भी उतनी ही कोशिश में बहुत अच्छे से कोशिश करना शुरू कर देती है। थैंक यू सो मच, इसी तरीके की वीडियो हमेशा लाती रहूंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत काम का है आपके लिए, और मेरे वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई सजेशन देनी है या फिर अगर आप मुझे कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं इस टेस्ट से रिलेटेड या फिर मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड, मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट में अगर आप कुछ भी पूछेंगे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच।